हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं डिजिटल प्रॉपर्टी यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लाया हूँ ऐसी प्रॉपर्टी जिससे आपका पहाड़ों में रहने का सपना पूरा हो सकता है, और अगर आप चाहें तो इसको आप अपनी रेंटल इनकम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं ये कहाँ पर है। ये देहरादून के एयरपोर्ट से मात्र 14 किलोमीटर की दूरी पर है। ये भोपाल पानी पड़ता है हरिगंज से 4 किलोमीटर दूर। वहाँ से ये टीरी चंबा जो रोड कट रही है वहाँ से, तो ये रोड सीधा यहाँ से नई टीरी तक जाती है। ये जहाँ पर डैम भी है, भोपाल पानी से इसकी दूरी लगभग 9 किलोमीटर है। ये ठारना गांव पड़ता है यहाँ पे 4 किलोमीटर पहले। प्रॉपर्टीज़ में से आपका, अगर आप पहाड़ों में अपनी ज़मीन लेना चाहते हैं या रहना चाहते हैं, तो आपका सपना इस प्रॉपर्टी से पूरा हो सकता है, क्योंकि इसमें हम आपको मकान बनाने के लिए प्लॉट भी दे रहे हैं और आपको कॉटेज बना के भी दे रहे हैं। हम इसमें 22 कॉटेज बनाएंगे जिसको आप अपने रहने के लिए या आप अपनी रेंटल इनकम के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये कॉटेज बनेंगे, ये लगभग 200 गज के ज़मीन पर बनेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसी कॉटेज का यूज़ अपने के लिए भी करें और रेंटल भी करें, तो यह भी हम कर सकते हैं। इसमें देख सकते हैं आप रास्ते में, इसमें जगह जगह कैंप बने हुए हैं। यहाँ पर ट्रैकिंग के भी ले भी लोग आते हैं, इसलिए यहाँ पर लोग, ये पूरा देख सकते हैं कैंप बना हुआ नीचे, ट्रैकिंग करने के लिए लोग काफ़ी आते हैं। देख सकते हैं पूरा पहाड़ है दिख रहे, देख सकते हैं यहाँ लोगों ने कैसे कैसे रिजॉर्ट बनाए हुए हैं, पूरा कांच का बना कर रखा हुआ किसी ने, उसमें पूरा खड़ा करके। हम भी जो इसके अंदर जो कॉटेज बना के दे रहे हैं वो लकड़ी के होंगे, लकड़ी और मेटल का यूज़ करके बनाया जाएगा उन्हें। अगर आप उसको रेंटल के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप भी उसका यूज़ हर महीने 3 दिन आप भी उस पर रह सकते हैं। साथ में आपको पर मंथ का उसका रेंटल भी आता रहेगा। हम पहुंच गए हैं अपनी जगह पर जहाँ पर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है। तो आगे की जानकारी इस प्रोजेक्ट के जो लीड कर रहे हैं अपने मनीष सर, वो आपको देंगे। ये सारा जो है हमारा, यहाँ से ये फ्रंट स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से लेकर के वहाँ तक अगर आप देखेंगे कि 250 फीट का पूरा फ्रंट है। ये आप देख पा रहे होंगे तो वो पुराना हमारा जो इठारना गांव है वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा, इठारना गांव। और इठारना गांव से ज़रा सा आप उस तरफ थोड़ा सा नज़र घुमाएंगे तो नीलकंठ महादेव का मंदिर है, जो सावन में पूरी हमारी नीलकंठ महादेव का मंदिर। रोड जाएगी ये जो मेन हमारी जाएगी, ये 25 फीट की रोड जाएगी। आइए देख रहे हैं जो मेन रोड से हमारा रोड देख रहे हैं, इस पे यहाँ पर हमारा गेट लगेगा, पूरी गेटेड कॉलोनी बननी है इधर से पूरे पेड़। और आप दोनों रोड की अगर आप दोनों तरफ देखेंगे तो यहाँ पर एक हमारा क्या नाम है, आम के और संतरे के पेड़ भी यहाँ पर साथ साथ लगने। आप नीचे से आए, ये रोड कटिंग हुई है, रोड कटिंग जहाँ से हुई है इसके दोनों तरफ प्लॉट है, इस तरफ भी प्लॉट है और ऊपर भी प्लॉट है रोड के दोनों तरफ। सर ये मेन रोड आ गई 25 फुट की रोड,
इस 25 फुट की रोड से यहाँ से हमने ये 20 फीट की रोड निकाली है। ये जो आप ऊपर तक देख पा रहे हैं पूरा जो वो ग्रीन कलर का बड़ा पेड़ है आम का, यहाँ पर सारे कॉटेजेस बनने हैं। ये सारी जो लोकेशन है पूरे कॉटेज बनने हैं। एक रोड यहाँ से निकाली गई है, एक रोड को वहाँ से निकाल दिया जाए, वो सामने काटा हुआ है, एक रोड ऊपर जाएगी सीधा वहाँ से, ये दो रोड निकलेंगी। कॉटेज बनने हैं, ये 22 कॉटेज है इस तरफ। इस 22 कॉटेज के ऊपर अगर आप देखेंगे तो ऊपर गांव है, आपको मकान दिखाई देंगे। और अगर इस तरफ थोड़ा सा और आगे आएंगे, ज़रा सा और आगे आएंगे, अगर कैमरे को ऊपर लेके जाएंगे तो वो आपको वहाँ मकान दिखाई देंगे ऊपर। यहाँ से ऊपर तक ये पूरे गाँव है ऊपर। और जिस रोड पर हम लोग खड़े हैं ये 20 फीट की रोड है, ये सारे प्लॉट है, यहाँ से लेकर के पूरे ये सामने प्लॉट है जिसको आप देख सकते हैं। ये 70 फीट की गहराई पे हैं, 70 फीट की। और थोड़ा सा अगर मेरी तरफ आएंगे मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे जो हम नीचे से कवर कर रहे थे वो नीलकंठ महादेव का टेंपल आपको नज़र जाएगा सामने। इस वाली लैंड से 4 किलोमीटर दूर है वो। अगर आप यहाँ प्लॉट या कॉटेज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपना नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉल कीजिए और अपना प्लॉट या कॉटेज बुक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पसंद आई हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।